साधु साधु नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय पहला भाग का एक सुंदर सूत्र पुज्जल वर्ग में आता है। उस सुंदर सूत्र में से हम कुछ सूत्र आपको अभी बता देंगे। ये पुग्गल वर्ग में आ जाता है। श्रावस्ती में रहते समय तथागत भगवान बुद्ध जी ने बताया बढ़ते लोगों को, भिक्षु इस दुनिया में बहुत लोगों का कल्याण के लिए, बहुत लोगों का सुख के लिए, बहु जनता का, देव मानव का अर्थ के लिए, कल्याण के लिए, सुख के लिए इस दुनिया में जन्म लेने वाले दो आदमी है। कितना आदमी है? दो आदमी जन्म लेते बहुत मुश्किल से, कभी कभी अगर उनका जन्म हो गया तो, उन दोनों का जन्म हो गया, दोनों में से किसी का भी, दोनों साथ में जन्म नहीं होता है, मुश्किल है, दोनों में से कोई एक भी जन्म लिया तो पूरे देव मानव का कल्याण होता है, सुख शांति के लिए होता है, सुख फैल जाता है। वो दोनों कौन है? पहला है अरहंत सम्मा संबुद्ध तथागत भगवान बुद्ध जी। पहला व्यक्ति है जो सारे लोगों का कल्याण के लिए ही होता है। दूसरा है चक्रवर्ती राजा। ये दोनों है सारे लोग का कल्याण के लिए धरती पर आते हैं, और कोई नहीं। तथागत भगवान बुद्ध जी से फायदा क्या है? उनके कारण लोग अपना मन को पवित्र करके शांति से जीने के लिए कोशिश करते हैं, अपने मन की गंदगियों को मिटाकर निर्वाण को प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। तथा चक्रवर्ती राजा के समय क्या फायदा है? उस समय के लोग धार्मिक हो जाते हैं, औजार तलवार सब कुछ हटा देते हैं, धार्मिक ढंग से सील को पालन करके उस समय के लोग जीवन बिताते हैं। तो इन दोनों का जन्म पूरे धरती का कल्याण के लिए ही होता है। और तथागत भगवान बुद्ध ने बताया इस दुनिया में आश्चर्यवान मानव के रूप में आने वाले दो व्यक्ति हैं। वो दोनों व्यक्ति कौन है? वो भी तथागत भगवान बुद्ध और चक्रवर्ती राजा। ये दोनों आश्चर्य मानव के जगह पे आता है। तथागत भगवान बुद्ध को पूरे देव ब्रह्म मानव सभी लोग नमन करते, इज्जत करते, चक्रवर्ती राजा का भी देव मानव इज्जत करते हैं। तथा भगवान बुद्ध ने बताया दो पुरुष हैं, ये दोनों का मृत्यु सारे लोगों के लिए दुख अहित असुख परेशान कष्ट के लिए होता है। इन दोनों का मृत्यु, अगर इन दोनों किसी का मृत्यु हो गया तो दुनिया का पतन है। पहला है तथागत भगवान बुद्ध जी, दूसरे चक्रवर्ती राजा। और तथागत ने बताया इस दुनिया में स्तूप बना के हमेशा निरंतर पूजा पाठ करके इज्जत करने में योग्य दो व्यक्ति हैं, भगवान बुद्ध और चक्रवर्ती राजा। इस दुनिया में दो प्रकार की बुद्ध है, एक है सम्मा संबुद्ध, दूसरा है पच्चेक बुद्ध। इस दुनिया में बहुत भयानक बिजली गरजते हुए आवाज देते समय बिना डर के रहने वाले दो व्यक्ति हैं, वो है
राग द्वेष मोह को खत्म करके अरहत्व को प्राप्त किए हुए भिक्षु तथा आजानीय अश्व, आजानीय अश्व सिर्फ चक्रवर्ती राजा को प्राप्त हो जाता है, वो थोड़ा भी डरता नहीं है। भगवान बुद्ध ने बताया ये दोनों बात को मन में लेकर किन्नर पुरुष लोग मानव का बात नहीं करता है, मानव जैसा बात नहीं करता है किन्नर मनुष्य लोग। किन्नर कौन है? पानी में रहता है पूरा, इधर छाते से ऊपर सब मानव है, इससे नीचे मछली जैसा खूबसूरत ब्यूटीफुल अतिशय सुंदर है उन लोग, लेकिन बात नहीं करता है दोनों के कारण, हमेशा के लिए बात छोड़ दिया है। वो कौन सा दोनों अर्थ है? हमारे मुंह से कभी झूठ नहीं निकल जाए, दूसरों को बिना मतलब के बेमतलब के अपमान ना हो मेरा मुंह से, ये दोनों कारण से ही किन्नर पुरुष लोग मनुष्य जैसा बात नहीं करते हैं। आश्चर्य है ना, पता नहीं कैसे हुआ है लेकिन ऐसे हुआ। बात नहीं करते उन लोग का खारम है ना, जैसा उन लोग बनाए वैसा है। इसका मतलब कितना खतरा है झूठ तथा बिना गलत किए हुए लोगों को अपमान करना कितना गलती है। जन्म जन्म में पछताना पड़ता है। स्त्री है ये स्त्री, ये दोनों कारण से बिना संतुष्ट होके ही मर जाती है, लेकिन वो सोतापन सकता आगामी अनागामी अरहत स्त्री लोग नहीं है, नॉर्मल स्त्री ये दोनों कारण से कभी संतुष्ट नहीं होकर ही मर जाती है। पहला है मैथुन सेवन यानी कि काम वासना की सेवन, दूसरा है बच्चा को पैदा करना। ये दोनों में से कभी स्त्री संतुष्ट नहीं होता है।